Hey Joanne, can we start the chapter? So the name of our chapter, first chapter, is Matter in Our Surroundings. You must be knowing what is matter. Who's Trisha Rani? Please come close to the mic and tell me what is matter. Speak louder, beta. I'm not able to hear you. Occupy space and volume. Anything which occupies space and that has mass, that is called matter. Okay, please. Very good. Please sit. Amrit Singh. Amrit Singh from 9A. What are three states of matter? Please speak in mic so that I could be able to hear you. What are three states of matter? Sorry. Please speak in the mic. Where's the mic? Bring it closer. Solid. Yes. Liquid. Liquid. Yes. Yes, very good. Please go and sit. So, we have three states of matter. One is solid, then liquid, and then gas. आप सब अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है. सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड बना है, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम अटैच्ड. तो हम उनको कैसे ड्रॉ करते हैं? हम उनको इस तरह से क्लोजली पैक्ड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है. सॉलिड में आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं. लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं और गैस में ये पार्टिकल्स के बीच में काफी डिस्टेंसेस होते हैं. राइट. सो मेन जो डिफरेंस आता है इनकी बाकी प्रॉपर्टीज में, उसका रीजन है इनकी पैकिंग. इतनी क्लोज पैकिंग की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. बहुत जोर से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है और उनको प्रेस करना, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो सॉलिड्स में आपने याद रखना है कि ये जो चीजें, जैसे ये पेन है, अगर ये सॉलिड है तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो इसके पार्टिकल्स जो इसके अंदर हैं, उनके बीच में जगह ही नहीं है आपस में, और कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में कि मैं इनको प्रेस कर सकूं. लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैस काफी कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं, उनके बीच में काफी स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो पाती है. राइट. सो अब मैंने आपको बोला कि पहले तो ये पिक्चर आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब इसका सबसे इजी एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो है आइस. आपको पता है आइस किस स्टेट में है? कौन सी स्टेट में है आइस? सॉलिड. वेरी गुड. आइस सॉलिड स्टेट में है. अगर आप आइस को, आइस ट्रे को फ्रीजर से बाहर निकालते हो तो क्या होता है? तो वो मेल्ट हो जाती है. ठीक है. वो किस चीज में चेंज हो जाती है? आइस से क्या बन जाता है उसका? वाटर में चेंज हो जाती है. आइस इज अ सॉलिड, वो मेल्ट होके बन जाती है लिक्विड. ठीक है. इसी लिक्विड को आप अगर पैन में डाल के गैस पे रख दो तो वो क्या बन जाएगी?
गैस बन जाएगी, वो वेपराइज हो जाएगी, उसके वेपर्स बन जाएंगे, वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो एक ही चीज, वो वाटर ही है, चाहे वो आइस के फॉर्म में है, चाहे वो हम लिक्विड के फॉर्म में वाटर को ले रहे हैं, चाहे उसको बॉईल कर रहे हैं, है तो एक ही चीज। लेकिन फर्क क्या आया? फर्क आया उसकी स्टेट में। तो ऐसा क्यों आया, फर्क उसकी स्टेट में क्यों आया? जब वो आइस के फॉर्म में थी, वो एकदम इस तरह से आपस में जुड़ी हुई थी, सारे मॉलिक्यूल, सारे पार्टिकल्स वाटर के इस तरीके से आपस में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड थे, तब वो सॉलिड फॉर्म में थी। जब हमने आइस ट्रे को बाहर निकाल के रखा, वो बॉन्ड, जो बॉन्ड बोलते हैं, जो फोर्सेस अट्रैक्शन इनके बीच में होती है, उनको बॉन्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है? तो वो बॉन्ड थोड़े से ब्रेक होते हैं, वो थोड़े से डिस्टेंसेस बढ़ते हैं उनके बीच में, और दैट बिकम्स लिक्विड, राइट? जब आप उस लिक्विड को पैन में डाल के बॉईल कर रहे हो, बॉइलिंग के टाइम पे और हीट उसको मिल रही है, जिसकी वजह से वो गैस में चेंज हो रहे हैं। अब देखो, इसमें हीट का या टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब आइस, वाटर और वेपर्स को ही सोचना, और मुझे गुरवीर बता सकता है कि क्या होता है आइस के साथ कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और क्या होता है वाटर के साथ कि वो बॉयल होके गैस में चेंज हो जाता है? किस चीज में चेंज आता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम आइस टू लिक्विड टू गैस? व्हाट इज द रीजन बेटा, बता सकते हो? हीट, ठीक है, टेम्परेचर, वेरी गुड, प्लीज सेट। सो हीट की वजह से, अब हीट ने क्या किया? हीट ने क्या किया? जो वाटर मॉलिक्यूल्स आइस के फॉर्म में आपस में एकदम स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड थे, उनके बीच में बॉन्ड बने हुए थे, जुड़े हुए थे, वो हीट ने उनको ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो ये सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और ये जो लिक्विड है वो, उसको जब आपने और हीट किया, गैस पे रखा था ना पैन में डाल के, वहां से गैस से क्या मिला उसको? हीट मिली। जब आपने फ्रीजर से बाहर निकाला, फ्रीजर का टेम्परेचर माइनस में था, आप उसको बाहर लेके आते हो, हमारा रूम टेम्परेचर इस वक्त 30-35 के बीच में है, तो उसको माइनस से टेम्परेचर से, लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर से आप जब रूम टेम्परेचर पे लाओगे, उसको हीट मिलेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब उस हीट का वो क्या कर रहा है? उस हीट को वो यूज कर रहा है इनके ब्रेक करने के लिए, और उनको ब्रेक करके दूर दूर कर देगा, ठीक है? और जब आप इसको पैन में डाल के गैस पे रख रहे हो, तो गैस ने क्या किया? जो आप गैस, उसको हीट के लिए जो भी आपने उसको हीट प्रोवाइड की, उसे उसका टेम्परेचर जो बढ़ा, उसमें वो हीट यूज हुई अगेन इनकी अट्रैक्शन को ओवरकम करके, इनको भी दूर करने में। तो दिस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। एनी क्वेश्चन समझ आए ये जितना मैंने आपको मैम, बताया? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? यस। ओके देन, प्रणव, डू यू पीपल हैव असाइनमेंट्स? एक्चुअली द असाइनमेंट्स आर ऑफ द चैप्टर ऑफ मोशन। ओके फाइन, आई विल टेल यू द क्वेश्चन, यू विल बी गिविंग आंसर फॉर दैट, राइट? सो माय क्वेश्चन इज, प्लीज लिसन केयरफुली, इफ आई एम नॉट ऑडिबल यू कैन आस्क मी टू रिपीट द क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन इज, which of the following indicates the relative randomness of particles? You need to tell which out of these three, solid, liquid, gas, किस में particles are most move easily? So which state of matter is most random? Yes. Pavneet Kaur, where is Pavneet Kaur? Yes, please tell me which state of matter is most And the random? state of matter, gas is the most Very random. good, gaseous state is most random, उसके molecules बहुत दूर दूर हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, प्लीज सेट। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वुड लाइक टू आस्क अरमान, इज अरमान देयर? ओके, इज जसप्रीत देयर? जसप्रीत फ्रॉम 9th B, ओके बेटा, प्लीज टेल मी अमंग दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज मोस्ट रिजिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से विच स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। इज मोस्ट रिजिड? सॉलिड, रिजिड, ठीक है, जब इनके बीच में स्पेसेस नहीं है, दे वोंट बी एबल टू मूव। वेरी गुड बेटा, प्लीज गो एंड सेट। ओके,
My next question is from Rajveer. Rajveer from 9th B. Yes, sir. Okay, beta. So the question is, as the solid melts to form liquid, you have four options. Please listen carefully. So as the solid melts to form liquid, first option is interparticle forces of attraction decreases. Second option, kinetic energy of particles increases. Third option, compressibility increases. Or fourth option, all of these. When solid melts to liquid, what happens? Action. Solid se aap liquid banate ho toh, what happens to interparticle forces? When they are increases. They decreases. Forces of attraction are maximum in case of solid. ठीक है वो जब आप इसको हीट करते हो तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टेड नाउ ठीक है सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस सेकंड पॉइंट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस क्या ऐसा होता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी लाइक द एनर्जी थ्रू व्हिच वी मेल्ट द सॉलिड टू लिक्विड काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मींस जब आप चैप्टर बात कर रहे थे मोशन ठीक है मोशन मींस मूवमेंट तो इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दे आर इन ग्रेटर मोशन वो ज्यादा मूव कर सके पास ज्यादा एनर्जी जैसे आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो आप ज्यादा चल सकोगे घूम सकोगे मूव कर सकोगे वैसे ही सॉलिड पार्टिकल से ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है एंड दे आर एबल टू मूव इजी एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सो व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जब आप इसको प्रेस करोगे कंप्रेस करोगे किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है सॉलिड और लिक्विड लिक्विड व्हाई सो बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वी हैव अ डिफिकल्टी टू प्रेस देम बट लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड दे हैव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स सो इट इज पॉसिबल टू कंप्रेस देम बिकॉज़ दोस पार्टिकल्स हैव स्पेसेस टू गो हियर एंड देयर राइट दे हैव द एबिलिटी टू गेट कंप्रेस्ड बट दे डोंट सॉलिड्स डोंट हैव स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी गुड बेटा प्लीज सिट Okay, then I'll talk about two properties. One is melting, one is boiling. Mahi, sorry, this is 10th A. Simran from 9th A. Yes, Simran, can you tell me what is the process of melting? मेल्टिंग किसको बोलते हैं मेल्ट करना किसको बोलते हैं आपने कभी देखा कोई अपने डेली लाइफ में देखा है कि कोई चीज मेल्ट कर रही है आइसक्रीम खाते हो तो मेल्ट करती है तो वो कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जाती है जब आइसक्रीम मेल्ट करती है तो सॉलिड से लिक्विड में राइट ओके वेरी गुड प्लीज गो एंड सेट सो मेल्टिंग में क्या वो मेल्ट कर जाती है पहले वो सॉलिड स्टेट में है लेकिन फिर हाई टेम्परेचर होता है बाहर फ्रिज में रखोगे तब तो फ्रीजर में उसको सॉलिड स्टेट में ही रहेगी ठीक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती है वहां पर लो टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है ठीक है तो फ्रीजर में तो वो आराम से मॉलिक्यूल्स बैठे होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होती है जैसे ही आप बाहर निकालते हो खाने के लिए तो बाहर रूम टेम्परेचर तो हाई है ठीक है उस रूम टेम्परेचर के हाई होने की वजह से जो काइनेटिक में आ जाएंगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मोशन में कोई भी पार्टिकल तब आ सकते हैं जब उसकी स्टेट क्या हो लिक्विड हो सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट एबल टू मूव मगर लिक्विड स्टेट में दे कैन मूव तो इस प्रोसेस को प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग राइट अब आपके पास लिक्विड है लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं कब करते हैं जब जुकाम हो जाता है डॉक्टर बोलते हैं स्टीम लो स्टीम में क्या करते हैं स्टीमर में वाटर डालते हैं तो स्टीम से गैस बन रही है ठीक है वो स्टीम क्या है गैशियस पार्टिकल्स है उसी लिक्विड के तो इसको हम क्या बोलते हैं उस वाटर का आपने देखा होगा आवाज भी आके बॉइल करना स्टार्ट कर देता है वो ठीक है तो लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ठीक है अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वाटर के लिए आपने सब पढ़ा होगा कि वाटर मेल्ट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सुना है कभी किस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करता है दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो पॉइंट से वो कोई डॉट या पॉइंट नहीं है बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइल अब आप पानी गर्म करोगे पानी गर्म तो 10 20 30 40 सारे इन सारे टेम्परेचर पे पानी गर्म हो रहा है मगर वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो अटेन कर सकता है जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर बना सकता है मैक्सिमम वेपर्स ये इस टेम्परेचर पे बना सकता है ठीक है सिमिलरली व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
सेल्सियस, वेरी गुड. ठीक है, ये सब चीजें जो भी अभी तक मैंने बताई वो सिर्फ एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए है, एंड दैट इज लेटेंट हीट. पढ़ा आपने ये टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. किस किस को आता है, प्लीज रेज योर हैंड्स, हु नोज दिस टॉपिक वेरी वेल. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, रेज योर हैंड्स. Nobody? Okay, we'll discuss that. ठीक है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, what is fusion? आप में रविंदर सिंह, fusion process किसको बोलते हैं? What is fusion? Can you tell me बेटा, what is fusion? Solid to liquid. And what is vaporization? Liquid to gas. Liquid to gas. Very good बेटा. Please go and sit. So solid to liquid is fusion and liquid to gas is vaporization. Fusion is solid. Solid के लिए आप S लिख सकते हो. तो solid से जब हम liquid बना रहे हैं, we call it fusion. And vaporization is liquid to gas. Right? और एक चीज मैंने आपको क्या बताई, जब सॉलिड से आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो वो मेल्ट करता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. और जब आप लिक्विड को वेपर में चेंज करते हो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसकी हम बात करते हैं. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब इसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट सा मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना और मैं आपसे पूछूंगी कि क्या होगा इसमें. ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक बीकर में आइस ली. ठीक है, दिस इज माय आइस, सपोज दिस इज आइस, और मैंने इसमें एक थर्मामीटर पुट किया. राइट, सो आइस ली और मैंने इसमें पुट किया थर्मोमीटर. तो आइस का टेम्परेचर इस वक्त है -3 डिग्री. ठीक है, मैंने इस थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक किया आइस का, तो ये -3 डिग्री था. मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया, हीट करने पे इसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गौरव? गौरव फ्रॉम 9A, अगर मैं इसको हीट करूंगी इस आइस को तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा? मैम टेम्परेचर विल नेवर इंक्रीज और डिक्रीज. क्यों? अगर आप इसको ही आप आइस लेते हो, अगर आइस को आप गर्म करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं? मैं बताती हूँ, प्लीज गो. वेरी गुड बेटे, अब सुनना ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में प्रॉब्लम है. तो देखो ध्यान में रखना है जो मैंने बात की थी, मेल्टिंग की और बॉइलिंग की. ठीक है, आपने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सो वी विल वेट टिल 0 डिग्री सेल्सियस. आप इसको इनिशियली हीट करोगे, ये -3 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहले रीच करेगा आपके हीट करने पे. ठीक है, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर विल राइज और 0 डिग्री सेल्सियस पर तक अभी रीच किया. ठीक है, तो अभी इस पोर्शन में आपने जो भी हीट दी आप उसमें राइज इन टेम्परेचर देख सकते हो, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस सॉलिड स्टेट में ही रहती है. आप हीट कर रहे हो उसको लेकिन इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज करता है तो वो फ्रोजन ही रहेगा -3 से लेके 0 तक. इतना समझ आया बेटे? आई रिपीट इफ यू वॉन्ट. मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या किया, हमने आइस ली विच वॉज एट -3 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको हीट किया, हीट करने पे वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आया, वो हीट होता रहा और हीट करने से
टेम्परेचर राइज करता रहा और वो आइस अभी तक सॉलिड स्टेट में ही है, क्योंकि वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो फ्रोजन स्टेट में ही रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो इस वक्त ये आइस अभी है सॉलिड स्टेट में और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, बट आई स्टिल कीप इट हीटिंग, हीटिंग अभी भी चालू है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने देखा कि मैं हीट करती रह रही हूं, लेकिन थर्मामीटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, तो जो मैं हीट कर रही हूं वो हीट जा कहां रही है? पहले तो -3 से 0 तक गई थी, ठीक है, और आपने राइज इन टेम्परेचर भी देखा था, तो हीट तो मैं अभी भी कर रही हूं, तो टेम्परेचर में राइज होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो हीट मैंने दी वो इन सॉलिड स्टेट में जुड़े हुए पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, हमने क्या बात की, सॉलिड स्टेट में सारे पार्टिकल्स दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पहुंच गया था, उसके बाद जितनी हीट मैंने दी, दैट वॉज यूज टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ब्रेक दीज फोर्सेस एंड टर्न दिस आइस इनटू वाटर, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए वो हीट यूज होती रही। ठीक है, इसीलिए मुझे थर्मामीटर में राइज इन टेम्परेचर नहीं मिला, राइट। सॉलिड से लिक्विड बनने में वो सारी हीट यूज हो गई और टेम्परेचर राइज नहीं किया, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने फ्यूजन किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, 0 डिग्री सेल्सियस के थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं किया, क्योंकि दैट हीट वॉज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स विच वॉज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट, ये बॉन्ड्स ब्रेक करके उसने स्टेट को लिक्विड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हीट वहां जाती रही लेकिन थर्मोमीटर में राइज नहीं दिखा। मैं चेंज करने के लिए रेज योर हैंड्स, जिनको नहीं समझ आया आई विल रिपीट अगेन, जिसको भी नहीं समझ आया इट्स ओके, आई विल रिपीट अगेन, दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, इफ यू नीड इट एक बार मैम फिर से बता दें मैं बता दूंगी, किसी को भी अगर जरूरत है तो, नहीं तो आई लास्ट क्वेश्चन फिर, किसी को प्रॉब्लम या मैं पूछू क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अभी पूछ लो कि अच्छा मैम ये बता दो यहां तक आ गया ये नहीं पता चला, Nobody? No question. They are saying there is no query. Okay, ma'am. Fine. So, एक और चीज मैं अभी आपको बता दूं, this was latent heat of fusion. Similarly, आप इस लिक्विड को, अगर आप इस लिक्विड को, ये लिक्विड में चेंज हो गया, लेट्स मेक इट लिक्विड नाउ, अभी आइस था 0 डिग्री सेल्सियस, हीट जो हमने प्रोवाइड की थी वो उस बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज हुई, थर्मामीटर में राइज नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो हीट यूज हो रही थी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए हिडन हीट इसको बोलते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो हीट चुपके से उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज हो रही थी, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज हो रही थी। सिमिलरली आपके पास अगर लिक्विड है, यू हैव दिस लिक्विड और आप इसको बॉइल करते हो और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर थर्मामीटर अगर आप पुट कर दोगे तो द पॉइंट जहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उस पर भी आपको थर्मामीटर में राइज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हीट यूज हो रही होगी उनको ओवरकम करके उसको गैस में चेंज करने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो मेन जो मैं आपको बता रही थी, मैंने स्टार्ट किया था सॉलिड लिक्विड गैस से, मैंने आपको बताया उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, मैक्सिमम होती हैं सॉलिड में, लिक्विड में चेंज करोगे द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे फ्यूजन जब हो रहा है, मेल्ट जब सी that rise in temperature for some time, the heat will be used to overcome the forces of attraction to change that solid into liquid. ठीक है? Any questions, beta? Okay, then I'll ask question ताकि मैं आपको और clear कर सकूं जिस तरह से question put होंगे। जैसे suppose करो
You have this? Okay. Ishpreet. Who's Ishpreet? Please come forward, Ishpreet. Ishpreet, my question is, this is solid, right? Have you done this graph before? The graph between temperature and heat supplied about latent heat of fusion? No? Okay, it's okay. Tell me, when we can process called? Melting. Melting. What is the temperature at which solid turns to liquid? 0 degrees. No, water can us temperature ko kya bolte hain? Kya bolte? Melting point bolte, boiling point bolte. Melting point. Okay, go. Please. Very good. Next, Simran. Simran, please come forward, beta. Okay, if I convert liquid into gas, what is this process called? Boiling. Boiling. Okay. Boiling point jo hai, jis pe liquid gas mein change hota hai. Theek hai? Okay, fine, good, beta. Please go and sit. Jaskaran Singh. Jaskaran. Is Jaskaran there? No? Who's Simranjeet Kaur? Okay. Who's Anmol Grewal? Okay, bete. Where the solid turns to liquid, जो हम fusion कर रहे हैं, जब हम melt कर रहे हैं, will there be rise in temperature at 0 degree Celsius? If we take water, ठीक है, water that is at 0 degree Celsius temperature, then yes, at 0 degree Celsius. Initially 0 degree Celsius पे जब आपने ice लिया है and you're heating it, तो क्या temperature में rise आपको दिखेगा? इनिशियली नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? मैम जो हीट के पार्टिकल्स होंगे मैम वो सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में लगेंगे, दैट हीट इज यूज्ड अप, दैट गेट्स यूज्ड अप टू सेपरेट दोस पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स व्हिच आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, दैट हीट गेट्स यूज्ड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा होता है, फिर थोड़ी और हीट लेके जब वो सॉलिड से लिक्विड एक बार बन जाता है, देन इट स्टार्ट्स द टेंपरेचर स्टार्ट्स राइजिंग, एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस प्रोसेस, व्हाट इज द टर्म गिवन टू हीट ऑफ फ्यूजन? Latent heat of fusion. ठीक है, latent heat at 0 degree Celsius for some time till that solid turns to liquid, there will be no increase in temperature because that heat is getting used up to break the forces between the particles. So, Ishita, please sit. Who's Ishita? Ishita beta, yes. Can you tell me late about latent heat of fusion, whatever you have understood ki ma'am aise hota hai, you can tell me in your words, what is latent heat of fusion? Ma'am, in this process, liquid is converted, solid is converted into liquid and liquid is converted into gaseous, because the heat is used to separate the particles or molecules of the very solid. Good, very good, please go and sit. Prabhjot Singh. What is latent heat of vaporization? Can you elaborate in your words? In latent heat of vaporization, as we provide the heat to the liquid, that heat would be used to in the molecules of the liquid. Okay, intermolecular forces, ठीक है, उस forces को overcome करने के लिए till that liquid becomes gas in nature. After that, there will be increase in temperature. Very good, please sit. Ishpreet Singh. Yes, beta. Latent heat of fusion again. Can you elaborate this thing in your words? Latent heat of fusion is the process in which heat is used to break the particles of solid, and after that it will be melted. Yes. And till that time when it is changing from solid to liquid, there will be no increase in temperature. This is because that heat is getting used up to change the state of matter. Wo heat use ho rahi hai state of matter ko change karne mein. Solid ko jab liquid gas mein change ho raha hoga, that is latent heat of vaporization. Jab ye changes chal rahe hain, us waqt temperature mein rise nahi milega, kyunki us waqt mein jo bhi aap heat provide kar rahe ho, wo is cheez ko, is process ko carry out karne mein hi use ho jati hai. Theek hai? Very good beta, please sit. Dilpreet Kaur.
दिलप्रीत कौर, latent heat of fusion again. And when solid is converted into liquid and during this process there is no change in the temperature. And because the energy is used to break the solid particles. Don't say break the solid particles. That is used to break the forces between the particles. पहले भी किसी स्टूडेंट ने बोला वो forces को particles को नहीं तोड़ रहे हम, उनके बीच में ना वो जुड़े हुए हैं, उनको separate कर, liquid के थोड़े दूर है, gas के और दूर है. तो जब आपको ये करना है कि solid को liquid में change करना है, आपको वो दूर करने हैं, तो you need energy for that. So you need to provide heat. Heat energy की form है, तो heat दोगे तभी वो टूटेंगे. तो वो तोड़ने में यूज हो जा रही है heat, इसलिए you will not observe change in temperature. That is why that तोड़ने में जो यूज हुई वो दिखी नहीं, कहां नहीं दिखी, थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा हीट कहां गई, तो वो हिडन हीट इसीलिए बोलते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कहां गई, तभी समझ आएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, सेपरेट करने में, उनकी फोर्सेस को तोड़ने में, उनको दूर करने में, सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ के, मतलब पार्टिकल, सॉरी मैंने शायद ऐसा बोला होगा, तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उनको तोड़ के दूर करो, लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड के अट्रैक्शन को और वीक करो, चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी देगी हीट. लेकिन वो हीट जब इसमें यूज हो जाएगी तो टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा. ठीक है, और यही ना दिखने वाली चीज इज कॉल्ड लेटेंट हीट. और दो प्रोसेसेस हम करते हैं, एक करते हैं फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, एक करते हैं वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस बनाते हैं. राइट, पानी के लिए अगर आप बात करें, नॉट एवरी लिक्विड, पानी के लिए दिस विल रिमेन जीरो, जीरो डिग्री सेल्सियस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का. उस वक्त सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा होगा, जब मेल्टिंग शुरू होगी, टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए हीट चाहिए. ठीक है, वो नहीं दिखेगी क्योंकि वो तोड़ने में यूज हो रही होगी. सिमिलरली वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से गैस बनानी है तो आ रहे होंगे, उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर हीट यूज हो रही है लिक्विड को गैस बनाने में, उन पार्टिकल्स को और दूर करने में, रैंडम करने में. राइट, got the topic? किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से? प्लीज बेटा गो एंड सेट एनी क्वेश्चंस, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स, एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय बेटा. थैंक यू टीचर, थैंक यू बच्चा.